भारत की देसी ऑटो निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स एसयूवी सेगमेंट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस अपना मार्केट में दिखा रही है। इसकी शुरुआत टाटा नेक्सा से हुई थी। इसे लॉन्च के बाद से ही कंपनी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। अब इसके नए फेसलिफ्ट मॉडल को फाइनली 2023 अप्रैल के महीने में लॉन्च किया जाना है। आप लोगों ने सही सुना, यानी भारत में टाटा मोटर्स अपनी सबसे पॉपुलर और धूम मचाने वाली कार नेक्सॉन के नए मॉडल को फेसलिफ्ट अवतार के साथ लाने की तैयारी पूरी तरीके से कर चुकी है। इसके नए वेरिएंट्स को जल्दी भारतीय बाजार में उतारा जा रहा है। फिलहाल इसे टेस्टिंग के दौरान कई बार मौकों पर भारत की सड़कों पर देखा जा चुका है। इसके डिजाइन में थोड़े बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन इसके फीचर्स और इंटीरियर को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। इससे इस कार का लुक और भी ज्यादा बाहर से निखर के आता है और साथ ही साथ भारत में मौजूद कई कंपनियों की कारों को ये कार कई टक्कर देने वाली है। वैसे तो भारतीय बाजार में माइक्रो एसयूवी सेगमेंट का चलन देखने को मिल रहा है, मगर टाटा की नेक्सॉन एक ऐसी कार है जो कि बिल्ड क्वालिटी के साथ ही साथ एक भरोसा कायम करी हुई है। यानी ग्राहक इस कार पे आग बंद करके भरोसा करते हैं और आने वाली यही कार अब फेसलिफ्ट डिजाइन और नए लुक और नए अंदाज के साथ एक बार फिर से भारत में तहलका मचाने आने वाली। वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले टाटा मोटर्स की आने वाली नेक्सॉन फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर की बात कर ली जाए तो जी हाँ, भारत में इस कार को कई बार टेस्टिंग के मौकों पर देखा जा चुका है और ये कार भारत में काफी ज्यादा धूम मचा रही है। इस कार में आपको फ्रंट में एलईडी डीआरएल्स के साथ एलईडी स्लिक हेडलैम्प्स का ऑप्शन बिल्कुल नए डिजाइन के साथ देखने को मिलता है। इसके ग्रिल के डिजाइन को देखने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं, जिसमें अलग ही लाइटिंग ऑप्शन का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इसका प्रोफाइल पहले की तुलना से काफी अलग है। इसमें आपको नया डिजाइन का बम्पर देखने को मिलता है जो कि नेक्सॉन फेसलिफ्ट को पुराने मॉडल से काफी ज्यादा खास बना रहा है। साइड प्रोफाइल से देखें तो 16 इंच के अपडेट टायर पुराने मॉडल के मुकाबले बड़े और चौड़े और साथ ही साथ कम्प्लीफिटेड अलॉय व्हील ऑप्शन नेक्सॉन को काफी खास बना रहे हैं और न्यू हैंडल बार टच द्वारा अपडेट किए जा सकते हैं। साथ ही साथ विंग्स मिरर में एक्शन कैमरे की प्रणाली इस कार को और भी जबरदस्त इस सेगमेंट में बनाने वाली है। टाटा नेक्सॉन को पूरी तरीके से कैसे भी डिजाइन तो नहीं दिया गया है। ओवरऑल लुक के मामले में ये कार पुराने मॉडल से बड़ी और थोड़ी सी चौड़ी नजर आ रही है और ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ भारत की तंग रस्तों पर पथरीले रस्ते ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए और भी ज्यादा कम्फर्टली और इस कार को स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के साथ डिजाइन टाटा ने आखिरकार किया है। यहाँ तो गली हमने टाटा नेक्सॉन 2023 में आने वाली फेसलिफ्ट मॉडल के लुक तथा डिजाइन की बात, जिसके बाद आपको ये कार अपना दीवाना बना चुकी है। अब बात कर ली जाए कार के इंजन तथा पावर के बारे में। आखिरकार टाटा मोटर्स ने अपनी जबरदस्त कार में कौन से इंजन का इस्तेमाल किया है? तो भारत में नेक्सॉन अपने फेसलिफ्ट अवतार के साथ बिल्कुल नए 1.2 लीटर के टर्बोचार्ज पेट्रोल विकल्प ऑप्शन द्वारा संचालित करते हुए भारत में आने वाली है। इस पेट्रोल विकल्प ऑप्शन की सबसे खास बात, भारत की सड़कों पर ये कार 125 bhp की मैक्सिमम पावर के साथ 225 nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखेगी। नेक्सॉन में आपको 5 स्पीड EMT, 5 स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन, 5 स्पीड अपडेट वार्निंग सिस्टम के साथ इस कार में माइलेज की बात कर ली जाए तो आपको 24 से 25 के आसपास माइलेज दे पाने में ये कार क्षमता रखेगी। है ना कमाल की बात, यानी इतने खास इंजन प्रणाली के साथ नेक्सॉन अपने नए अवतार में आने वाली है। ओवरऑल भारत में लुक से तो नेक्सॉन को चेंज किया ही गया है, साथ ही साथ कार के इंटीरियर फीचर्स में टाटा की तरफ से आपको भरमार देखने को मिलने वाली है। आखिरकार इस कार में फर्स्ट क्लास फीचर्स की लंबी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, जो कि काफी हद तक बैठने वालों के लिए इस कार में प्रीमियम फील करवाने वाली है। सबसे पहले गौर किया जाए कार के डैशबोर्ड में तो जी हाँ, टाटा मोटर्स ने कार के डैशबोर्ड को पूरी तरीके से इंफोटेनमेंट सिस्टम से अपडेट किया है, जिसमें 9 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि इस कार के डैशबोर्ड की शान बढ़ाना है। डुअल टोन अपडेट के साथ एम्बिएंट लाइटिंग भी अब आपको इस कार के मॉडल में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम से लेकर और वॉइस कमांड रिकमेंडेशन सिस्टम जैसे फंक्शंस को एक्सेस किया गया है। कार में 3.1 इंच का एक बड़ा सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल पैनल ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में ही इस कार की शान को और भी ज्यादा प्रीमियम आपके लिए बनाने वाला है। दोनों साइड आपको नए डिजाइन लुक के साथ अपडेट किए गए क्रोम फिनिशिंग वाले ऑटोमेटिक एसी वेंट्स की प्रणाली देखने को मिलती है, जिन पे 2.0 पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन भी देखने को कार में मिल जाता है।
अगर एडिशनल फीचर्स की तरफ गौर किया जाए तो नेक्सॉन में आपको वायरलेस चार्जिंग के साथ स्मार्ट चार्जिंग, डीप प्लगिंग ऑप्शन और साथ ही साथ हरमंस के 5 साउंड स्पीकर ऑप्शन म्यूजिक सुनने वालों को कार में दीवाना बनाने वाले है। ओवरऑल इंटीरियर के मामले में नेक्सॉन अपने पुराने मॉडल से काफी प्रीमियम नजर आ रही है। इस कार में आपको छोटा सनरूफ पैनोरामिक अपडेट ऑप्शन के साथ दिखाई देने वाला है जो कि ऑटोमेटिक तरीके से कार की शान को और भी बढ़ा है। इतना ही नहीं, कार में आप सभी को अपहोल सीट्स का सेक्शन देखने को मिल जाता है। ये वही सीटें हैं जिनको आप एक ही बटन दबा के एक्सेस कर सकते हैं। आपकी सीटें चौथा तरीके से फोल्ड की जा सकेगी और अपने इशारों पे आप सीटों को घुमा सकते हैं। देखा जाए तो पीछे लेगरूम को पुराने मॉडल से और भी ज्यादा कम्फर्टली डिजाइन किया गया है। सीटों में बैठने के बाद आप लॉन्ग ड्राइव हो, शॉर्ट ड्राइव हो, अपनी यात्रा को आसानी से कम्प्लीट इस कार में कर पाएंगे। ओवरऑल नेक्सॉन अपने इंटीरियर फीचर्स से पुराने मॉडल के मुकाबले काफी प्रीमियम और एक जबरदस्त लुक ले रही है। बात कर ले जाए भारत में आने वाली 2023 टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो टाटा मोटर्स की कारें भी बिल्ड क्वालिटी के चलते अपनी कारों को जबरदस्त तरीके से लॉन्च करती है। जहां पर टाटा हैरियर से लेकर बेहतरीन एसयूवीज मार्केट में मौजूद है, वहीं नेक्सॉन अपने नए फेसलिफ्ट अवतार के साथ अपने डिजाइन को पीछे छोड़ते हुए अपने नए फीचर्स अपडेट और साथ ही साथ बेहतरीन सेफ्टी प्रणाली से लेस होकर भारत में एंट्री लेने वाली है। कहा जा रहा है कि टाटा ने अपनी जबरदस्त नेक्सॉन को अपने हैरियर वाले ही प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया है। ये 90% तक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए अपडेट से तैयार की गई है जिसको ग्लोबल एनसीपी क्रिस्टस मानकों के तहत पूरे 5 की रेटिंग दी गई है जो कि भारत में काफी अच्छी मानी जाती है। नेक्सॉन में आपको नए मॉडल में पूरे 5 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा मिल जाएगी। ईबीटी टेक्नोलॉजी के साथ ABS रियर पार्किंग सेंसर से लेकर स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक और फ्रंट कैमरा, IFSO फिक्स्चर लॉकिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, प्रीडिक्शन कंट्रोल जैसे बेहतरीन प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स की प्रणाली के साथ नेक्सॉन दोबारा से हाजिर आपके दिलों में होने वाली है। लॉन्चिंग तथा कीमत की बात कर ली जाए तो मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2023 टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट की स्टार्टिंग कीमत 6.90 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस बेस वेरिएंट से होने वाली है। कार के टॉप वेरिएंट की तरफ अगर आप कदम बढ़ाते हैं तो 8 से 8.5 लाख रुपए का खर्चा आपको इस कार के टॉप वेरिएंट को लेने में आने वाला है। इस कार की प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 0 अमाउंट राशि के साथ कार को प्री बुकिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ बुक करने के लिए कमेंट बॉक्स का यूज भी कर सकते हैं। आने वाली नेक्सॉन फेसलिफ्ट को जल्द से जल्द बुक करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए और नेक्सॉन के लिए बन जाता है खूबसूरत सा लाइक, तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों के अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।